अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ इन कॉन्टिन्यूशन विद द टॉपिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था. दैट वॉज कॉमन प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द स्किन एंड द प्रॉब्लम विच वी विल डिस्कस टूडे इज़ ब्लेमिशेज. ठीक है, वॉट इज़ ब्लेमिशेज? अब ब्लेमिशेज जो होते हैं दोज आर नथिंग बट इट इज़ टाइप ऑफ अ मार्क या किसी तरह का स्पॉट और डिस्कलरेशन जो हमारी स्किन पे अपियर होता है. जो भी ये ब्लेमिशेस होते हैं दोज आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. ठीक है, बट इससे क्या होता है कि किसी भी पर्सन को बस एक अपसेटिंग सी फीलिंग आती है बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स देयर स्किन टू लुक हेल्दी एंड गुड. सो इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. ठीक है, बट समटाइम्स वॉट हैपन, कोई कोई ब्लेमिशेस किसी किसी पर्सन को ये हो सकता है कि दे गिव द सिग्नल ऑफ स्किन कैंसर. सो यू मस्ट ऑलवेज, जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है इट इज़ एडवाइजेबल टू विजिट द डर्मेटोलॉजिस्ट सो दैट आपको एग्जैक्ट कॉज पता चल जाए कि वेदर दीज ब्लेमिशेस आर जस्ट ड्यू टू समटाइम्स लाइक सन एक्सपोजर या फिर हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से हुआ है या फिर इट इज़ गिविंग यू द सिग्नल ऑफ स्किन कैंसर. सो वी विल स्टडी द कॉजेज वन बाय वन. द फर्स्ट कॉज इज सन एक्सपोजर. एज आई हैव बीन टेलिंग यू इन द प्रीवियस क्लासेज ऑल्सो कि जो हमारी स्किन होती है अगर स्किन पे प्रोलॉन्ग्ड या फिर फ्रीक्वेंट एक्सपोजर डायरेक्ट सनलाइट का रहता है तो हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है. लाइक वेन जो यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज ऑफ सन अगर वो स्किन पे डायरेक्टली फॉल करती है तो क्या होता है, दे ट्रिगर द मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो मेलानोसाइट्स होते हैं इनटू ओवर एक्टिविटी. ठीक है, अब सबको पता है कि जो मेलानिन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्किन इट्स कलर. जब इसकी प्रोडक्शन एक्सेस में हो जाएगी ठीक है, तो जो आपकी स्किन है वो नेचुरली वो डार्कर शेड की अपियर होगी. एंड सम ऑफ दीज पिगमेंटेड सेल्स व्हेन दे बाइंड टुगेदर सो दे फॉर्म अ क्लम्प. और जब ये क्लम्प फॉर्म करेंगे तो वो ऑब्वियसली इट विल अपियर एज डिसकलर्ड ब्लॉचेस ऑन द स्किन. नाउ व्हाट आर ब्लॉचेस का मतलब होता है कि इट्स जस्ट दी लार्ज इरेगुलर पैच होगा या फिर अनस्लाइटली मार्क ऑन द स्किन और अनदर सर्फेसिस. ठीक है, इरेगुलर कलर, इरेगुलर मार्क आप बोल सकते हो या इरेगुलर पैच होता है उसको आप ब्लॉचेस बोलते हैं. द स्कैटर्ड क्लस्टर्स ऑफ मेलानिन टेक फॉर्म ऑफ समटाइम्स फ्रेकल्स, मोल्स, मेलाज्मा एंड एज स्पॉट्स. देन नेक्स्ट चेंज इज हार्मोनल चेंजेस. नाउ हार्मोनल चेंजेस से कैसे आपके फेस पे ब्लेमिशेस आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डर्मेटोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका कहना है कि जो हार्मोनल एक्ने है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ अगर आपकी बॉडी में जो एंड्रोजेंस हैं ठीक है, एक हार्मोन होता है, अगर इसकी जो लेवल है वो एबनॉर्मली हाई हो जाए तो उसकी वजह से भी हार्मोनल एक्ने हो सकते हैं. समटाइम्स ब्लेमिशेस कैन बी कॉज ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. सर्टन वायरल इन्फेक्शन जैसे सबने देखा होगा कि चिकन पॉक्स बहुत लोगों को होते हैं, सो दिस इज़ दी वायरल इन्फेक्शन. ठीक है, चिकन पॉक्स कई बार ठीक होने के बाद भी हमारे स्किन पे कई मार्क्स रह जाते हैं. ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ द स्किन, ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, वो ब्लिस्टर बनते हैं और जो ऑफन जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो अपना निशान छोड़ जाते हैं स्किन पे. सो दे मे बी द कॉज ऑफ ब्लेमिशेस. ठीक है, इन कोल्ड सोर्स में क्या होता है, द फ्लूइड फिल्ड लेजन्स आर लिमिटेड टू द एरिया ऑन एंड अराउंड द लिप्स, बट जो चिकन पॉक्स है इट टेंड टू अफेक्ट द एंटायर स्किन. मतलब जो कोल्ड सोर्स होते हैं वो आपके लिप्स के अराउंड ही होगा बट जो चिकन पॉक्स हैं दे कैन टेंड टू अफेक्ट योर एंटायर स्किन एंड नॉट ओनली जस्ट द फेस. वो पूरी बॉडी पे जो चिकन पॉक्स है वो कहीं पे भी हो सकते हैं. ठीक है, बट जो कोल्ड सोर्स हैं दैट इज़ फाउंड टू बी अराउंड द लिप्स. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स. सम ब्लेमिशेस जो हैं दैट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू जेनेटिकली भी हो सकते हैं. एंड द नेक्स्ट कॉज इज़ इम्प्रॉपर डाइट. किसी भी स्किन के लिए कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो उससे क्या है कि हमें डाइट, प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर इम्प्रॉपर डाइट भी लेंगे तो स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. नाउ इफ़ यू कंज्यूम
बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव अमाउंट में आप ऑयली फूड कंज्यूम करोगे तो इट इज़ सस्पेक्टेड टू ट्रिगर और वर्सन एक्ने। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन जिनकी स्किन ऑयली होती है वो कंप्लेंट करते हैं एक्ने की। ठीक है, तो अगर वो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करेंगे तो चांसेस हैं कि उनके जो एक्ने हैं वो एक वर्सन हो जाएं या फिर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएं, और वो ठीक होने के बाद भी अपने जो फेस है या जहाँ पे भी एक्ने हुआ है वहाँ पे वो एक अपना मार्क छोड़ जाएं और वो इन रिटर्न ब्लेमिश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो द फाइंडिंग्स ऑफ वन मेटा एनालिसिस शोड दैट द इनटेक ऑफ सर्टन डेयरी प्रोडक्ट सच एज होल मिल्क एंड लो फैट स्किम मिल्क इज लिंक्ड टू इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एक्ने ब्रेकआउट्स whereas other products such as cheese and yogurt are unlikely to increase the acne risk. Okay, and sometimes stress may also be the cause behind acne. High level of stress can undermine the skin health and overall well-being. It's stress se sirf hamari skin pe hi impact nahi padta hai, but it can impact us overall also. So people who lead stressful lives or are generally in the habit of taking too much stress are susceptible to various dermatological ailments, and in continuation to that acne is very particular. So these were some causes behind blemishes. Now what are the types of blemishes? So there are some type of blemishes like acne. Acne is nothing but आपने सबने देखा होगा कि acne it is very common. ठीक है, ये कैसी skin condition होती है that occurs as a result of skin producing too much oil. और इसके लिए क्या क्या factors हैं जिससे आपकी जो skin है वो oil production increase करती है, means overactive oil glands, then hormonal changes during puberty, menstruation or the menopause. Then due to stress, anxiety or depression, it can also affect the hormones. There are several type of acne which vary in their appearance. ठीक है, acne भी बहुत type के होते हैं. फ़र्क क्या होता है कि उनकी appearance में फ़र्क होता है. जो ये आपके black heads या white heads होते हैं, these are also the type of acne only. जो black heads होते हैं, these are small dark spots on the surface of the skin. They resemble like trapped dirt but actually consist of oil. वो आपको दूर से तो दिखेंगे कि like आपकी skin पे जो dirt है वो entrap हो गई है, but actually क्या है कि उसके अंदर क्या होता है, oil. Oil that has become stuck inside the pore. Now when this oil react with air, it becomes black. और जो white heads होते हैं, these are small round blemishes that are या तो वो white color के होंगे या फिर वो skin color के ही होंगे, and they develop as a result of oil and dead skin cells blocking the pores. जब dead skin cells और जो oil है दोनों आपके pores को block कर देते हैं तो उस reason से आपके face पे या body पे white heads develop होते हैं. Then comes what are papules. Papules are small hard red bumps of the skin. They develop when excess oil, bacteria and dead skin travel deeper into the skin and causing inflammation. ठीक है, now pustules क्या होते हैं? Pustules are raised red spots and that contain yellow or white pus. Sometimes आपने देखा होगा कि face पे एक red color के एक raised spots बन जाते हैं. ठीक है, जो आपको एक yellow color के विजिबल होते हैं. ठीक है, उसमें येलो जो चीज़ है दैट इज़ नथिंग बट येलो, और उसमें वाइट पस हो सकती है. और ये कब अकर होते हैं? ये तब अकर होते हैं जब ऑयल, बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो हमारी स्किन के अंडर ही कलेक्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं. और जो नोड्यूल्स होते हैं वो क्या होता है? नोड्यूल्स आर लार्ज स्किन ब्लेमिशेस दैट डिवेलप व्हेन पोर्स बिकम क्लॉग्ड. जब हमारी स्किन में जो पोर्स हैं उनमें जब ब्लॉकेज आ जाती है तो स्किन में लार्ज ब्लेमिशेस डेवलप हो जाते हैं जिसको नोड्यूल्स बोलते हैं. नोड्यूल्स में क्या होता है कि जो ऑयल्स हैं, आपको पता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सीबम, और सीबम इज़ नथिंग बट अ ऑयली सिक्रीशन. तो जो ये ऑयल्स हैं हमारी स्किन से जो ये ऑयल सिक्रीट होते हैं, ठीक है, ऑयल्स मिक्स विद डेड स्किन सेल्स एंड बैक्टीरिया दैट बिकम
trapped deep in the skin. The excess oil and bacteria lead to infection and inflammation inside the skin. ठीक है. Then acne cyst भी एक तरह का क्या है. This is also the break in the lining of a pore that can cause oil and bacteria to spread around the skin. Then what is hyperpigmentation? ठीक है. Hyperpigmentation से भी this is also the type of blemish only. ठीक है. बट क्या होता है कि दिस हाइपर पिगमेंटेशन क्या होगा, जो आपका नॉर्मल स्किन का टोन है उससे अगर आपको कोई प्लेस या एरिया अदर देन योर स्किन उससे वो डार्क अपीयर होता है तो दैट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन. ठीक है. और दिस इज़ यूजुअली अनकॉमन लाइक ब्लेमिशेस एंड यूजुअली हार्मलेस. ठीक है. और हाइपर पिगमेंटेशन भी इन्हीं रीज़न से हो सकता है जो हमने ब्लेमिशेस में पढ़े, लाइक जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. देन सन डैमेज भी ड्यू टू, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोज्ड रहेगी और ड्यू टू एक्ने आल्सो. ठीक है. सो दीज आर हाइपरपिगमेंटेशन कॉजेज. देन व्हाट आर फ्रेकल्स? फ्रेकल्स आर आल्सो द टाइप ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन ओनली दैट अ पर्सन कैन इनहेरिट द टेंडेंसी टू डेवलप. दे आर स्मॉल फ्लैट स्पॉट्स दैट मे बी रेड, ब्राउन, टैन और ब्लैक इन कलर एंड दे कैन अपियर एनी वेयर ऑन द बॉडी, जो फ्रेकल्स होते हैं. ठीक है. सन स्पॉट्स बोलो या फिर एज स्पॉट्स बोलो, ये भी एक तरह की हाइपर पिगमेंटेशन ही है. ठीक है. दीज स्मॉल स्पॉट्स और पैचेस दे कैन डेवलप ऑन द एरियाज ऑफ द स्किन. ठीक है. दैट गेट अ लॉट ऑफ सन एक्सपोजर. ठीक है. जिस पार्ट पे बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा उस वजह से आपकी स्किन पे एज स्पॉट्स या सन स्पॉट्स हो सकते हैं. और दूसरी हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? मिलाज्मा भी एक तरह की हाइपर पिगमेंटेशन है. और ये मोस्टली कब होती है? जब पर्सन बर्थ कंट्रोल पिल्स लें तो उस रीज़न से जो क्या है मिलाज्मा हो सकता है. क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से क्या होगा, हमारे जो हॉर्मोन्स में चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है. विच विल लीड टू द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन. और जो मेलानिन आपको पता है कि वो पिगमेंट हमारी स्किन में होता है जो हमारी स्किन को कलर देता है. और अगर इस पिगमेंट की ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी तो आपकी स्किन डार्कर दिखेगी. देन इनग्रोन हेयर, समटाइम्स हेयर कैन कर्ल बैक ऑन देमसेल्स और ग्रो साइडवेज इनटू द स्किन विच कैन रिजल्ट इन रेड या फिर इची बम्प्स फॉर्मिंग. डॉक्टर्स रेफर टू दीज स्किन ब्लेमिशेज आर इनग्रोन हेयर. ठीक है. जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरह की कंडीशन को इनग्रोन हेयर्स का टर्म देते हैं. और ये जो इनग्रोन हेयर होता है, ये वाली कंडीशन कब अराइज होती है? समटाइम्स जब हम हेयर रिमूवल टेक्निक्स यूज़ करते हैं सच एज वैक्सिंग या फिर शेविंग और प्लकिंग, और समटाइम्स आप शेविंग के जो ये एपिलेटर्स एंड ऑल होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों से ये इनग्रोन हेयर्स हो सकता है. एंड बर्थ मार्क्स आर ऑल्सो द टाइप ऑफ ब्लेमिश ओनली जो किसी न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पे होगा, तभी उसका नाम बर्थ मार्क है. क्योंकि दैट इज़ देयर फ्रॉम द टाइम अ चाइल्ड टेक्स बर्थ. दे कैन अपियर ईदर एट बर्थ एंड समटाइम्स और शॉर्टली आफ्टर बर्थ. ठीक है. या तो वो एकदम से जैसे ही चाइल्ड ने बर्थ लिया उसी टाइम पे ये उसकी बॉडी पे अपियर होगा, या फिर शॉर्टली आफ्टर बर्थ. सम बर्थ मार्क्स डिसअपियर विद टाइम बट वाइल अदर्स आर परमानेंट. कुछ बर्थ मार्क ऐसे होते हैं जो विद टाइम बॉडी से डिसअपियर हो जाते हैं, बट सम बर्थ मार्क्स जो हैं दोज आर परमानेंट, वो रिमूव नहीं होते हैं. एक्सपर्ट्स आर स्टिल नॉट श्योर वॉट कॉजेज बर्थ मार्क्स टू फॉर्म. दी स्किन ब्लेमिशेज कैन समटाइम्स डिवेलप एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड वेसल्स नॉट फॉर्मिंग प्रॉपरली, या फिर जो स्किन के पिगमेंट सेल्स होते हैं वो एक साथ क्लम्प हो जाएंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि स्किन में ब्लॉचेस फॉर्म हो जाते हैं. बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो दे डू नॉट हैव द एग्जैक्ट रीज़न वाई बर्थ मार्क्स आर देयर, बट दिस इज़ जस्ट कि इट मे बी ड्यू टू अगर ब्लड वेसल्स अगर प्रॉपरली फॉर्म नहीं हैं तो वो मार्क्स रह जाते हैं, या फिर स्किन पिगमेंट सेल्स अगर वो क्लम्प टुगेदर और वो एक आपकी स्किन पे एक ब्लॉचेस बना देते हैं. एंड ओवर ग्रोथ ऑफ स्किन दैट क्रिएट्स रेज्ड पैचेस ऑफ थिकेंड स्किन. ठीक है.
और जो बर्थ मार्क हैं वो वेरी करते हैं, लाइक साइज में भी और अपियरेंस में भी. समटाइम्स दे आर फ्लैट और रेज्ड, ठीक है, सिमिलर टू ब्रूज और स्टेन. और ये कई बार डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, लाइक पिंक कलर के, रेड, ब्राउन और टैन कलर, समटाइम्स इवन ब्लैक ऑल्सो. नाउ बर्थ मार्क्स अगेन लाइक ब्लेमिशेस एंड हाइपर पिगमेंटेशन हमने पढ़ा. अगेन बर्थ मार्क्स आर ऑल्सो जनरली हार्मलेस, बट सम मार्क्स दैट अपियर ऑन अ बेबी स्किन, लाइक जैसे हमने ब्लेमिश में भी पढ़ा था कि वो हार्मलेस होते हैं, दीज आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग बट येस कैन गिव यू द सिग्नल ऑफ स्किन कैंसर. सो दैट इन जस्ट केस यू शुड विजिट द डर्माटोलॉजिस्ट टू मेक श्योर कि वेदर इट्स जस्ट द नॉर्मल कंडीशन और इट्स द साइन ऑफ सम कैंसर. देन कोल्ड सोर्स आर पेनफुल रेड फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, जैसे हम छाले हो जाते हैं ना, सो जो कोल्ड सोर्स होते हैं दोज आर पेनफुल रेड एंड फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स दैट फॉर्म अराउंड द लिप्स और अराउंड द माउथ, ठीक है. और वैसे ये वायरस की इन्फेक्शन से होता है, दैट इज़ हर्पीस सिंप्लेक्स जो वायरस है उसकी इन्फेक्शन से कोल्ड सोर्स होते हैं. कोल्ड सोर्स जो होते हैं दोज आर हाईली कंटेजियस, सो पीपल शुड अवॉइड इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद अदर्स अंटिल द सोर्स हैव हील्ड प्रॉपरली, सो दैट जो वायरस है वो स्प्रेड ना हो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और जो स्किन कैंसर है, इट इज़ टाइप ऑफ ब्लैमिश दैट कैन बी द साइन ऑफ स्किन कैंसर. सम टाइप्स ऑफ ब्लेमिशेज, सॉरी, दे कैन बी द साइन ऑफ स्किन कैंसर. सो यू शुड बी अवेयर टू लुक टूवर्ड्स द टाइप ऑफ स्पॉट योर स्किन इज हैविंग. एक बार आप उस चीज़ का अश्योर हो जाओ, देन यू कैन टेक द ट्रीटमेंट लाइक वाइज. सम पोटेंशियल साइंस ऑफ स्किन कैंसर इंक्लूड अ न्यू मोल और मार्क दैट ग्रोज क्विकली, अ मोल और मार्क दैट ब्लीड्स और समटाइम इट्स हैविंग इचिंग, अ ब्लेमिश दैट चेंज इट्स शेप, साइज और कलर, अ मोल दैट इज एसिमेट्रिकल और हैज रफ इरेगुलर एजेस, अ मोल दैट इज लार्जर देन 6 मिलीमीटर. सो अगर इनमें से कोई चीज़ आपकी स्किन पे अकर होती है, लाइक कोई मोल आपकी स्किन पे हो गया और वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, या फिर कोई मोल है वो उसमें इचिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, कोई ब्लेमिश, कोई डिस्कलरेशन आपकी स्किन पे आ जाती है, जो वो डिस्कलरेशन है वो अपना शेप, साइज़ या फिर कलर चेंज कर रही है, कोई मोल है विच इज़ रफ़ टू टच, अगर इस तरह की आपको बॉडी पे साइंस नज़र आते हैं, सो दिस इज़ बेटर टू विजिट दी डॉक्टर. अगर आप अनयूजुअल स्किन ब्लेमिश, जिनका जो ये ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अगर इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक नज़र आता है, सो इट इज़ गुड टू सी दी डॉक्टर. देन आप ट्रीटमेंट क्या लोगे ब्लेमिशेस के, जो भी हमने कॉजेज पढ़ा था अगर आप उसका रिवर्स कर दोगे, सो दैट विल बी दी ट्रीटमेंट. लाइक हमने पढ़ा था कि सन डैमेज एक प्राइमरी कॉज है सन एक्सपोजर ब्लेमिशेस का, तो अगर आप सन में जाने से प्रोटेक्शन ले लोगे तो ये इसका ट्रीटमेंट बन जाएगा. जब भी आपको पता है कि आपने सन में निकलना है, धूप में निकलना है, तो ऑलवेज़ यूज़ हैट्स यूज़ कर लो, ताकि जो सन की रेज है वो डायरेक्ट आपके फेस पे ना आए. यू कैन यूज़ ग्लासेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, देन वेयर प्रॉपर सन ग्लासेस यू कैन यूज़. देन हमेशा धूप में निकलने से 15-20 मिनट्स पहले आप एक अच्छा सनस्क्रीन लोशन भी अप्लाई कर सकते हो, सो दैट आपकी स्किन को डैमेज ना हो सके, ठीक है. अगर एक्ने की मेडिकेशंस लेनी है तो जो टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं लाइक सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, बट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डर्माटोलॉजिस्ट बिफोर अप्लाइंग दीज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द स्किन. देन क्रीम्स फॉर हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी आप क्रीम्स यूज़ कर सकते हो. देन नेचुरल सॉल्यूशंस क्या हैं, लाइक यू कैन यूज़ एलोवेरा, आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हो, विटामिन सी अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर यू कैन यूज़, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ डाइट. अगर आप अपना डाइट प्रॉपर रखोगे, अपनी स्किन को अच्छे से नरिशमेंट दोगे, देन आपको इन सारी चीज़ों की, ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी, ठीक है. कीप ऑलवेज कीप योर स्किन वेल हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड, ठीक है, देन दीज प्रॉब्लम देर विल बी लेस चांसेस फॉर दीज प्रॉब्लम्स टू अकर.